वेलकम टू जेडी एंटरटेनमेंट। माय नेम इज फाद जरीवाला, मैं सूरत में हूँ एंड थैंक्स टू इलियास भाई फॉर गेटिंग मी हियर। अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई, आपका नाम क्या है सर? जरीर। जरीर, आप ज़ोरास्ट्रियन हो? पारसी। पारसी हो, ठीक है, हमारे बॉम्बे में बहुत है पारसी लोग। और आप हैं हमारे पीयूष भाई। पीयूष भाई की हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। पीयूष भाई भी अपने फ्रेंड के पास लेके आए हैं, वो रखते हैं जिप्सी वैनर हॉर्स। जिप्सी वैनर ही बोलते हैं ब्रीड को, जिप्सी हॉर्स। इसके बारे में कुछ बताओगे आप हमें? ये तो मैं तो उदयपुर से लाया था पहले इसको। हाँ, ये और उसका एक बच्चा है, वो दोनों लाया था। ओके, कितना समय हो गया? अभी 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। और एक बच्चा मेरे पास भी है, उसका भी, मेरे घर का भी। फार्म से लेके आए हो आप? कोई फार्म? वो दिनेश जैन करके, उसके पास से लाया। प्योर इंटरनेशनल ब्रीड है ये, बाहर की। मैंने सुना ये आई थिंक वर्ल्ड वॉर के समय ये कैरेज हॉर्स यानी सामान ले जाने के लिए यूज किए जाते थे। इनमें वो क्षमता बहुत होती है घसीटने के लिए। और अभी आप किसके लिए हैं? शो के लिए हैं? बस शौक के लिए। क्या उम्र क्या होगी इसकी? 10-12 साल। 10-12 साल होगी। और नाम क्या रखे हो आपने? टाइगर। टाइगर। और इसका बच्चा भी आपने जो लाए थे, अभी इसमें चलने में कोई दिक्कत आ रही है क्या इसको? वो उसके पैर में नाल नहीं है ना अभी। ओके, इसीलिए उसके, इसीलिए शायद उसके वजन से उजर नहीं है वो। ठीक है, और बताइए इसकी पर्सनैलिटी। और हॉर्स जो है, सिंधी हॉर्स हो या मारवाड़ी हॉर्स, उसके विपरीत इसकी पर्सनालिटी कैसी है वो बताइए हमें। वो सबसे अलग दिखता है, दिखने में अलग है। और इसकी पर्सनालिटी स्वभाव कैसा है इसका? शांत है, एकदम शांत, एकदम शांत है। ओके, ये स्टैलियन ही है ना? तो इसकी नस्ल निकाल दो आपने? है ना, ये मेरे घर का तो ही साथ है। साथ उसका नहीं आया था ना? ना, ये बाजू वाला साथ में आया था। ये मेरे घर का है। कौन सा? ये जो सामने लगे बाल वाला रहेगा। तो ये क्रॉस ब्रीड? हाँ, क्रॉस ब्रीड है, सिंधी घोड़ी के। क्रॉस ब्रीड सिंधी घोड़ी, सिंधी और जिप्सी। हाँ, उसकी माँ है, सफेद घोड़ी है मेरे पास। तो निकला, उसके भी पैर में बाल है क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत है। तो आपको जिप्सी घोड़ी नहीं मिली? नहीं मिली। अगर मिली तो आप लोगे? हाँ, इसके लिए। वैसे ये कितने में लिए थे? हमारी ऑडियंस को बताओगे कितने में मिल जाते हैं? ये तो मैंने 2 घोड़े 7 लाख में लिए थे। 7 लाख के 2 घोड़े। और अब क्या होगी इनकी कीमत? वो तो पता नहीं। अगर आपको इनका बच्चा बेचना हो वो वाला? ना, तो नहीं बेचने वाला है ही नहीं, ये शौक के लिए ही है बस, पूरा का पूरा। ठीक है, नाम है टाइगर। पीयूष जी, आप इसके बारे में बताइए, उनसे उनसे बात करना चाहूंगा। आप सिंधी घोड़ों का शौक करते हो? हाँ। तो आपको ये फैंसी घोड़े इतने पसंद नहीं है? पसंद तो है, लेकिन वो शौक की बात अलग है ना जी। हाँ, इन पे तो रवाल चाल। हाँ, सूरत वाले का क्या भरोसा, इसको भी रवाल चाल सिखा देंगे आप। ये घोड़ा भी, ये भाई अभी बोल रहे हैं ना, हाँ, जितने लिया उससे जास्ती कीमत में अभी मंगाया हुआ है। ये अभी बीच में 50-60 लाख रुपए का भी मांगा था घोड़े। ये तो बाहर की ब्रीड है। हाँ, तो ऑब्वियसली बहुत इसकी जो नस्ल इंडिया में आई होगी। बॉम्बे वाले ने भी मांगा हुआ था ये घोड़ा, लेकिन बेचे नहीं। ऑफर दिया था 50 लाख रुपए का, लेकिन ये भाई ने नहीं दिया। नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, हॉबी। हाँ, शौक पूरा करने के लिए। हाँ, ठीक है। और ये सूरत में लौटा एक ही घोड़ा है। और कहीं पे भी, दूसरी जगह पे भी, कोई स्टेट में भी है नहीं कोई। मैं तो इतनी जगह घूमता हूँ, बहुत मेले में भी बहुत कम आते। एक हाँ, जगह मैं मुक्सर मंडी में गया था, मुक्सर मंडी में था। गुजरात में ये एक ही है? गुजरात में ये एक ही है, इकलौता है, इकलौता है। और इसके 2 बच्चे हैं अभी। वो दो, एक इसके साथ आया था, एक ब्रीड हमारे यहाँ हुई। एक जो इसके साथ आया वो तो प्योर होगा, प्योर, वो भी प्योर नहीं है, वो भी मारवाड़ी पे ही है। वो मारवाड़ी, मारवाड़ी घोड़ी पे है। ये जो निकाल रहे हैं ना, वो सिंधी घोड़ी पे। चलिए देखते हैं सिंधी से कैसा निकला, हम अगली वीडियो में बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये अभी इसका बच्चा है, 15 साल निकाल रहे हैं, 20 साल, अगली वीडियो में बताते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।